हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरस्टडी क्लासेस। तो आज आपके साथ जुड़े हैं हमारे यूजीसी नेट कॉमर्स का यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का कंप्लीट ओवरव्यू लेने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम इस यूनिट का पूरा ओवरव्यू लेंगे, देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं और ब्रीफली उन्हें समझते चलेंगे, ताकि जब हम इन्हें डिटेल में पढ़ें तब हमारा एक बार बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर रहे और डिटेल में हम आसानी से जा पाए। चलिए आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा सिलेबस है यूनिट 2 का, उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट दे सकते हैं अकाउंटिंग और दूसरे पार्ट में डाल सकते हैं हमारा ऑडिटिंग। देखिए, अकाउंटिंग का जो पार्ट है वो बहुत बड़ा है और 90-95% मैं कहूंगा आपका जो टाइम कंज्यूम करेगा वो अकाउंटिंग वाला पार्ट ही करेगा, और रिमेनिंग 5-10% आपका टाइम कंज्यूम करेगा ऑडिटिंग वाला पार्ट। अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे हम? देखिए, अकाउंटिंग में हमें बेसिक्स तो पढ़ने ही हैं, साथ में पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के डिफरेंट इश्यूज के बारे में पढ़ना है, हमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, एबीसी कॉस्टिंग है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री है, इन सब के बारे में भी पढ़ना है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस कैसे की जाए उनकी टेक्निक्स को भी पढ़ना है, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सभी टेक्निक्स के बारे में हमें पढ़ना है। इसके अलावा जो नई इमर्जिंग फील्ड्स हैं अकाउंटिंग की, जैसे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग और एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS, इनके बारे में भी हमें जो है पढ़ना है। तो ये रही अकाउंटिंग की बात, अब करते हैं आपसे ऑडिटिंग की बात। तो फ्रेंड्स, ऑडिटिंग का जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं, हमें उसमें क्या करना है, ऑडिटिंग की बेसिक बातें जाननी है कि ऑडिटिंग क्या होता है, वाउचिंग वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑडिट के बारे में पढ़ना है, और इसके साथ साथ जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं ऑडिटिंग के अंदर, कुछ नए फॉर्म्स ऑफ ऑडिटिंग इवॉल्व हो रहे हैं, जैसे मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, सिस्टम्स ऑडिट एंड सेफ्टी ऑडिट, इनके बारे में भी हमें जो है वो पढ़ना है। तो ये था हमारा सिलेबस। चलिए अब एक एक टॉपिक को पिक करते हैं और उसके बारे में ब्रीफली जानना शुरू करते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, अकाउंटिंग में कुछ प्रिंसिपल्स का होना बहुत जरूरी है। अगर मैं किसी और तरीके से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करूंगा, आप किसी और तरीके से करेंगे, कोई और पर्सन है मिस्टर एक्स, वो अपनी किताबें किसी और तरीके से बनाएंगे, तो एट द एंड इन सभी किताबों को कंपेयर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं जो भी किताबें बने उनमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगर आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो वो भी डेप्रिसिएशन लगाएं और मैं भी डेप्रिसिएशन लगाऊं, कुछ यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगर आप अपनी किताबें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्लोज करते हैं तो सभी लोग ऐसा ही करें तो कितना आसान हो जाएगा कंपैरिजन करना, यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। तो इन्हीं सब चीजों को बनाए रखने के लिए हमारे पास है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, जिनको हम यूज करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करने में। तो कौन कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं हमारे पास? सबसे पहले है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये कहता है कि बिजनेस और उसका ओनर दोनों अलग अलग पर्सन है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, आप अपनी किताबों में वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कीजिए जिसे आप मनी में मेजर कर सकते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट, ये बात करता है हिस्टोरिकल कॉस्ट की। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, आपका बिजनेस चलता जाएगा और आप इसी बेसिस पे अकाउंट्स को तैयार कीजिए, और क्योंकि बिजनेस चलता जाएगा तो आप रेगुलर इंटरवल्स पे अपनी बुक्स को क्लोज कीजिए, रेगुलर अकाउंटिंग पीरियड जो है उनके बेसिस पे अपनी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार कीजिए, ये बताता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू हैं, ये बताता है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। उसके बाद है रियलाइजेशन कंसेप्ट, ये बताता है आप अपना रेवेन्यू कैसे बुक करें। अक्रूअल कंसेप्ट बात करता है किसकी, कि आप रेवेन्यू को कैश बेसिस पे रिकॉग्नाइज करें या फिर
आप किस बेसिस पे रिकॉग्नाइज करें? ड्यू बेसिस पे। आपको रेवेन्यू अभी नहीं मिला, बट क्योंकि वो अभी ड्यू हो गया, आप अक्रू हो गया, तब भी आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और मैचिंग कंसेप्ट बात करता है एक्सपेंसेस और इनकम की मैचिंग की। तो ये सारे कंसेप्ट हमें इसके अंदर कवर अप करके चलने हैं। चलिए फ्रेंड्स, उसके अलावा हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी चर्चा आपके साथ करनी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी इसी मकसद से बनाए गए हैं कि एक फ्रेमवर्क हमारा तैयार हो जाए, कुछ स्टैंडर्ड सेट ऑफ हमारे नॉर्म्स तैयार हो जाएं, जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार किया जा सके। तो इसके अंदर आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक बार याद तो करने ही हैं, बट फिर भी कुछ मेजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डील करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डील करता है हमारी इन्वेंटरी वैल्यूएशन से, AS 3 डील करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, AS 4 डील करता है कॉन्टिंजेंसी से, AS 5 डील करता है हमारी प्रायर पीरियड आइटम्स और चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी से, AS 10 डील करता है हमारे फिक्स्ड एसेट से, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS 16 डील करता है हमारी बोरोइंग कॉस्ट से, यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट की कॉस्ट है, AS 12 डील करता है कि गवर्नमेंट की ग्रांट आपको अगर मिली है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करें, और AS 13 डील करता है कि कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंटिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज की डेट में जमाना बदल रहा है, जमाना मॉडर्न हो रहा है, और बात की जाती है इंडेस की। देखिए, ग्लोबल लेवल पे हमारे पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS बनाए गए हैं। अब हम भी चाहते हैं कि जो इंडिया की कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करें, अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करें, वो भी इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही तैयार करें, बट उन्हें पूरी तरह फॉलो करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम उनको ध्यान में रखते हुए अपने कुछ स्टैंडर्ड्स तैयार कर लें, जिससे हम कुछ हद तक इंडिया को वर्ल्ड के साथ कंपेयर कर सकें। तो IFRS को हमने कन्वर्ज किया अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ और बना दिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि IND-AS। चलिए तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमें बात करनी है पार्टनरशिप अकाउंट्स की। देखिए, पार्टनरशिप क्या है? आप और आपका दोस्त मिलकर काम करते हैं, दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, वो पार्टनर्स हैं बिजनेस के अंदर, उनकी बकायदा पार्टनरशिप डीड तैयार की जाएगी और बताया जाएगा कैसे वो बिजनेस करेंगे, कैसे वो प्रॉफिट्स और लॉसेस को आपस में बांटेंगे, ये सब बातें वहां पे बताई जाएंगी। अब इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास इश्यूज अराइज होते हैं अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से। अगर दो पार्टनर थे, अब एक नया पार्टनर ऐड हो गया, तो कैसे हम उसकी अकाउंटिंग करें, कैसे गुडविल की वैल्यूएशन करें, कैसे प्रॉफिट शेयर को बांटें, कैसे हमारा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो को हम निकालें। वैसे ही अगर पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गई है, यही पार्टनर्स थे पहले भी और अब भी यही हैं, बट पहले इनकी रेशो कुछ और थी और अब कुछ और हो गई, तो इसे हम अपनी किताबों में कैसे एडजस्ट करें। और इसके ऑपोजिट है रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। पहले 3 थे, अब 2 हो गए, अब जो पार्टनर जा रहा है आपको उसकी अमाउंट की पेमेंट करनी है, तो कैसे हम उसे कंप्यूट कर सकते हैं, कैसे हमें उसकी गुडविल की पेमेंट करनी है, क्या हमें एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करना है, ये सब बातें यहां पे कंसीडर की जाएंगी। और उसके बाद अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, तो उस केस में कैसे हमें अकाउंटिंग अपनी करनी है, ये सब बातें हमें कवर अप करके चलनी है। चलिए इसके बाद बात आती है डिसोल्यूशन और इनसॉल्वेंसी इन द पार्टनरशिप। तो माय डियर फ्रेंड्स, डिसोल्यूशन इन पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि जो हमारे पार्टनर्स हैं फर्म के, वो अपने बिजनेस को अब बंद कर रहे हैं। अब हमारा जो बिजनेस है वो बंद हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म हमारी बंद हो रही है, दिस इज डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, इनके डिफरेंसेस को भी हमें कवर अप करना है। और इसके अलावा एक केस बन सकता है हमारा डेफिशिएंसी इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। हम पार्टनरशिप फर्म को बंद कर रहे हैं, उस केस में किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ गया है, उसके पास पैसे नहीं है, उस केस में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एक स्पेशल केस है हमारे पास गार्नर वर्सेस मुरे केस, कैसे हम उसके प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे इस केस में,
वो सब बातें हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये ब्रॉड फ्रेमवर्क है जिसके अंदर रहकर हमें अपनी कवरेज करनी है। वैसे ही कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को भी हमें समझना है। कंपनीज की अकाउंटिंग है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। देखिए, कंपनीज जो है वो शेयर्स इशू करती हैं। तो शेयर्स जब वो इशू करती हैं तो कैसे हम उसकी अकाउंटिंग कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा डिफरेंट केसेस के ऊपर। क्या कंपनी उसकी फेस वैल्यू ₹10 का शेयर 10 में ही इशू करती है, एट पार इशू करती है, क्या वो प्रीमियम पे इशू करती है 10 का शेयर 12 में इशू करती है, या क्या वो डिस्काउंट पे इशू करती है 8 पे इशू करती है, और क्या आज की डेट में शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं या फिर ऐसा करने पे कंपनीज एक्ट 2013 ने पाबंदी लगा दी है। ये सब बातें हम कवर अप करके चलेंगे। और इसके अलावा जो हमारे शेयर्स हैं या तो कैश के बेसिस पे इशू किए जा सकते हैं या फिर अदर देन कैश के बेसिस पे इशू किए जा सकते हैं। जैसे आपने क्या खरीदा, आपने कोई मशीन खरीद ली किसी पर्सन से और उसे कहा मशीन के बदले आप हमारी कंपनी के शेयर्स ले लीजिए, तो दिस इज अदर देन कैश। तो इसके ढेर सारे डिफरेंट केसेस बनेंगे। कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई, उस केस में प्रोराटा अलॉटमेंट कीजिए। ये सब बातें हमें कवर अप करनी है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर। अब देखिए, जो हमारी कहानी है, जो हमारी पिक्चर है, वो अभी खत्म नहीं हुई है। शेयर्स इशू करना ही हमारे लिए एंड नहीं है। शेयर्स को इशू किया जाएगा और उसके बाद कुछ शेयर होल्डर हमारे ऐसे निकम्मे निकलेंगे जो कि हमें पैसे नहीं देंगे शेयर्स के ऊपर। शेयर्स तो खरीद लेंगे बट हम उनपे पैसे मांगेंगे तो वो मना कर देंगे कि हमारे पास तो पैसे नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, उनके शेयर्स को जब्त कर लेंगे, उनके शेयर्स को हम फोर फीट कर लेंगे। एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर्स। और उनके शेयर्स को जब्त करके ये नहीं कंपनी की अपनी जेब में डाल के रख लेगी, कंपनी उन शेयर्स को किसी और पर्सन को इशू कर देगी, हो सकता है डिस्काउंट पे ही इशू कर दे। तो इस सारे सिनेरियो में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा, क्या हमारे प्रॉफिट्स होंगे, क्या कोई अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ये सारी बातें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इसके बाद हमें कवर अप करना है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से जुड़ा एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो कि है अमलगमेशन, अब्सॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। इनकी अकाउंटिंग समझने से पहले इन सभी के मीनिंग्स आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जैसे अमलगमेशन का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलकर अब एक कंपनी बना रहे हैं। ए और बी लिमिटेड दोनों जुड़ गई और एक नई कंपनी सी लिमिटेड उन्होंने बना ली। अब्सॉर्प्शन का मतलब है कि एक कंपनी को दूसरी कंपनी ने अपने अंदर समा लिया, अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया, बी लिमिटेड को ए लिमिटेड ने अब्सॉर्ब कर लिया। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि हमारी कंपनी जो है अंदर से वही रहेगी, इंटरनली वही रहेगी, बट एक्सटर्नली वो बदल जाएगी। पहले वो कंपनी बी लिमिटेड के नाम से काम करती थी बट अब वो ए लिमिटेड के नाम से काम करेगी। हम इसे कहेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। सब कुछ सेम है अंदर, बाहर से कंपनी की नेम प्लेट बदल गई। अब इसकी अकाउंटिंग की जब हम आपसे बात करें तो वहां पे AS 14 ये सारी बातें हमें बताता है कि कैसे आप इस केस में अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो वो बताता है कि आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो अमलगमेशन है वो इन द नेचर ऑफ परचेज है या फिर इन द नेचर ऑफ मर्जर है। तो मर्जर, माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताऊं तो ये वो केस है जहां पे दोनों कंपनियां 100% या फिर ऑलमोस्ट 100% मिल जाती है, या फिर जैसे मैं कहता हूं कि ये दो कंपनियों की शादी ही हो जाती है। ऐसा मान लो आज से सारे एसेट्स और लायबिलिटीज तुम्हारे हो गए, ऐसी वाले केस को हम बोलते हैं मर्जर। और इसके अलावा जो केस बनता है वो होता है परचेज का। तो इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को भी हमें समझना है। चलिए, तो फ्रेंड्स, आपसे बात करी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की, कि बाहर से रंग रूप बदल गया, अंदर से कंपनी सेम है। इसके ऑपोजिट है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जहां पे कंपनी को अंदर से बदला जा रहा है, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसे सुधारा जा रहा है।
तो माय डियर फ्रेंड्स, कई बार ऐसे हो सकता है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर काफी सारे लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, उसके अंदर जो उसके एसेट्स की वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एसेट की वैल्यू आ रही है, कार की वैल्यू जैसे आ रही है 10 लाख रुपए, बट जब आप उस कार को देखते हैं तो वो कार ऐसी है जिसके अभी पहिए भी नहीं है, उसके टायर भी नहीं है, उसकी वैल्यू 50,000 भी नहीं है। तो उस केस में ये जरूरी है कि हम उसकी बैलेंस शीट को सही पोजीशन पर लेकर आए, जो उसकी किताबों में लॉसेस पड़े हुए हैं उन्हें सबको एडजस्ट कर दें। तो उसे हम नाम देते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो इस केस में हमारे क्रेडिटर्स बैठते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स बैठते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। देखिए, अगर कंपनी ऐसे चलती रही तो इसे ज्यादा देर तक चलाना संभव नहीं रहेगा, तो हम मिलकर बैठकर कुछ समझौता क्यों ना कर लें, थोड़ा तुम छोड़ दो, थोड़ा हम छोड़ दें और इस कंपनी की बैलेंस शीट को सही पोजीशन पर ले आए, ताकि लंबे समय तक इस कंपनी को चला सके, सुधार इसका कर सके, ताकि इसे बंद करने की नौबत ना आ सके। इसे बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। चलिए, बट फाइनली अगर कंपनी को हमें बंद ही करना पड़ता है तो उसे बोलते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। और उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हमारे कौन है, देखिए ये हमारे पर्सन है, देखिए कितने खुश हैं, ये हैं लिक्विडेटर। सर ये क्यों इतने खुश हैं? ये इसलिए खुश हैं क्योंकि ये कंपनी बेचने जा रहे हैं। अब कंपनी बंद हो रही है तो उसके सारे एसेट्स को ये लिक्विडेटर बेचना शुरू करेंगे। ये लिक्विडेटर उसके इन्वेस्टमेंट्स को, उसकी प्लांट एंड मशीनरी को, उसकी बिल्डिंग को, उसके स्टॉक को, उसके जो भी एसेट्स हैं लोन्स एंड एडवांसेस उन्हें रियलाइज करेंगे और बाकी जितने भी एसेट हैं उन्हें क्या कर देंगे, वो मार्केट में सेल करेंगे और उन्हें रियलाइज करेंगे, उनसे पैसे इकट्ठे करेंगे। सर जो पैसे इकट्ठे करेंगे वो क्या अपनी जेब में डाल के घर चले जाएंगे? जी नहीं। अब लिक्विडेटर साहब की ड्यूटी है कि वो उस पैसे से अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट करें। सर लायबिलिटीज के पेमेंट करने में क्या वो अपनी मर्जी से पेमेंट कर सकते हैं? अगर इक्विटी शेयर होल्डर उनका साला है तो उसे सबसे पहले पेमेंट कर दें, ऐसा पॉसिबल है? जी नहीं। अपनी सारी रिश्तेदारियां उन्हें घर छोड़कर आनी पड़ती हैं। जो उनकी पेमेंट है वो एक फिक्स्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग करनी है। देखिए जो भी हमारी सारी लायबिलिटीज हैं वो एक लाइन लगा के खड़ी हो जाती हैं कि लिक्विडेटर साहब जो पैसे आए हैं उनसे हमें पेमेंट कर दीजिए। सबसे पहले हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर खड़े होंगे, फिर जो हमारे लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस होंगे उसे पूरा करने के लिए पैसा रखेंगे, फिर उसके बाद हमारे कुछ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होंगे, जैसे हमारे एम्प्लॉयज के ड्यूज हैं, कुछ टैक्सेस के ड्यूज हैं, वो आएंगे, फिर उसके बाद आएंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसके बाद हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और लास्ट में जो कुछ बचा खुचा है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो ऐसे लिक्विडेशन करी जाती है कंपनीज की। और हमारे जो लिक्विडेटर हैं इस केस में कुछ अकाउंट्स भी तैयार करते हैं, जैसे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तैयार की जाती है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होती है, एक डेफिशिएंसी अकाउंट तैयार किया जाता है, उन सब की बातें हमें इसके अंदर करनी है। चलिए अब बात करते हैं होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स की। तो माय डियर फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि एक कंपनी को कोई और दूसरी कंपनी कंट्रोल कर रही है, ये कंपनी बी को कंपनी ए कंट्रोल कर रही है, कंपनी सी को कंपनी बी कंट्रोल कर रही है। तो इस केस में हमारी जो कंपनी ए है वो बी और सी दोनों की होल्डिंग कंपनी मानी जाती है, और इस केस में ये जरूरी है कि हम इनके अकाउंट्स को कंसोलिडेट कर दें। देखिए ये कंपनीज देखने में तो अलग अलग हैं, बट आप मुझे बताइए क्या ये वास्तव में एक नहीं है? अगर कंपनी ए ने कंपनी बी के मेजॉरिटी या फिर मैं कहूँ सारे ही शेयर्स अपने पास रखे हैं, कंपनी बी ने कंपनी सी के मेजॉरिटी या फिर सारे ही शेयर्स अपने पास रखे हैं, तो सारा कंट्रोल तो ऊपर वाली होल्डिंग कंपनी के पास ही है। तो जब आप कंपनी ए की अकाउंटिंग करें, उसकी बैलेंस शीट बनाएं, तो क्या आपको नहीं लगता इसमें कंपनी बी और कंपनी सी की बैलेंस शीट भी कंसोलिडेट होनी चाहिए, जुड़नी चाहिए? जी सर, बिल्कुल जुड़नी चाहिए। इसी को अंजाम देते हैं हम अपने होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स के अंदर। और इस केस में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं जो कि हमें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना पड़ता है। अब देखिए कंपनी ए और कंपनी बी की बैलेंस शीट हम जोड़ने लगेंगे, कंसोलिडेट करने लगेंगे, तो कुछ इश्यूज उसके अंदर आ जाएंगे।
हम देखेंगे कि कंपनी ए ने कंपनी बी के शेयर्स के लिए दिए हैं 2 लाख रुपए, बट वही शेयर्स कंपनी बी की किताबों में तो उसकी फेस वैल्यू यानी कि 1.5 लाख रुपए पे ही आ रहे हैं। तो इस 50,000 रुपए का क्या करें, कैसे इसे हम शो करें, ये हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है, जिसका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है, वो सब बातें हमें जाननी है। और कंपनी ए ने कंपनी बी के 90% शेयर्स अपने पास रखे हैं, बट 10% शेयर्स इसके पास नहीं है, तो 10% हमारा माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट है, जिसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं, इसे कैसे ट्रीट करना है वो भी हमें जानना है। और इस कंटेक्स्ट में हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 है, जो कि हमारी हेल्प करता है कि इस केस में कैसे हमें अपनी अकाउंटिंग करके चलनी है। चलिए अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। देखिए, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसकी एनालिसिस करनी बहुत जरूरी है, तभी आप उससे कोई डिसीजन ले सकेंगे, उससे कोई कंक्लूजन निकाल सकेंगे। अब ये डिसीजन और कंक्लूजन के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल कराए गए हैं, जिनका आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स और ट्रेंड एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं हमारे, जो कि सिलेबस में भी स्पेसिफिकली मेंशनड है, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट भी बना के आप एनालिसिस इसका कर सकते हैं। चलिए अब सबसे पहली टेक्निक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस की हमारे पास जो है वो है रेशियो एनालिसिस। देखिए, हम डिफरेंट रेशियोज निकालकर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे लिक्विडिटी रेशियोज आप निकाल सकते हैं, जिसे हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की रेशियो निकालते हैं, तो डेट इज अ लिक्विडिटी रेशियो। इसके अलावा आप अपनी लीवरेज रेशियोज या फिर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज को भी निकाल सकते हैं। जैसे आप निकाल रहे हैं कि कंपनी में डेट और इक्विटी की कितनी रेशियो है, तो ये आपका इस रेशियो का एग्जांपल है। इसके अलावा आप अपनी एक्टिविटी रेशियोज, एफिशिएंसी रेशियोज, परफॉर्मेंस रेशियोज या फिर टर्नओवर रेशियोज भी निकाल सकते हैं। जैसे आप निकाल रहे हैं मेरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी है, आप निकाल रहे हैं कि मेरी डेटर टर्नओवर रेशियो कितनी है, तो ये सब रेशियोज इसके अंदर आपकी आ जाती हैं। इसके अलावा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, जैसे आप निकाल रहे हैं अपनी नेट प्रॉफिट की रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की रेशियो, तो ये सभी रेशियो इसके अंदर हमारी आ जाती हैं। तो ढेर सारी रेशियोज हमें निकालनी है और उनसे हमें इंपॉर्टेंट कंक्लूजंस ड्रॉ करने हैं कि क्या कंपनी की लिक्विडिटी ठीक है, क्या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है, क्या कंपनी की सॉल्वेंसी ठीक है या फिर इसमें कोई दिक्कत है। चलिए उसके बाद हमें बात करनी है कैश फ्लो एनालिसिस की। देखिए, हमारी कंपनी में ओपनिंग बैलेंस था कुछ कैश का और कुछ कैश इक्विवेलेंट्स का। जैसे एग्जांपल लूं, 10,000 था ये बैलेंस, बट किताबें जब हमने बंद करी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो हमारा बैलेंस हो गया ये 50,000। तो ये 40,000 का फ्लो हुआ कैश का ड्यूरिंग द ईयर। अब इस 40,000 के फ्लो को हमें एनालाइज करना है कि ये फ्लो कहां कहां से हुआ। क्या ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हुआ, क्या ये हमारी जो परचेज और सेल हमने करी गुड्स की सर्विसेज की उससे हुआ, या फिर हमारी कोई इन्वेस्टमेंट करी थी, हमने कोई फिक्स एसेट बेच दिया, क्या ये उससे हुआ, या फिर हमने कोई लोन लिया, हमने शेयर्स इशू किए, क्या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के थ्रू हुआ। ये सब बातें हमें इसके अंदर एनालाइज करनी होती हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो बात करता है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स की, बट फंड फ्लो स्टेटमेंट एक वाइडर पर्सपेक्टिव देता है हमें एनालिसिस के लिए। ये बात करता है फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल की, कि कितना हमारी वर्किंग कैपिटल में चेंज आया, ओपनिंग में वर्किंग कैपिटल कितनी थी और क्लोजिंग में कितनी थी, उसे कंपेयर करके हम देखते हैं कि फंड का फ्लो क्या रहा ड्यूरिंग द ईयर। हम देखते हैं कि जो इनके अंदर चेंजेस आए, क्या ये फंड फ्रॉम ऑपरेशंस की वजह से आए, मतलब जो आपने ऑपरेशंस किए उसकी वजह से आए, या फिर और कारणों से हुए, इसके बेसिस पे हम अपनी एक फंड फ्लो स्टेटमेंट को तैयार कर लेते हैं, और इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा हमें आपसे करनी है। चलिए इसके अलावा हमें बात करनी है मार्जिनल
कॉस्टिंग की। अगर हम एक यूनिट और प्रोड्यूस करें और सेल करें तो हमारी कॉस्ट में, हमारे वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, ये हम एनालाइज करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में। और इसके अंदर एक स्टेटमेंट है इनकम स्टेटमेंट, जो कि आप समझ जाएं तो ये सारा कंसेप्ट आपके लिए एक केक वॉक हो जाता है। सर कौन सी स्टेटमेंट है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं? आप ये समझ जाएं कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन और कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अगर आप ये इक्वेशन समझ जाएं और इसे याद रख लें तो आपके 99% सवाल मार्जिनल कॉस्टिंग के गलत नहीं होंगे। तो इस बात को आपको कभी नहीं भूलना है, इस स्टेटमेंट को आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। जितने भी फॉर्मूलाज होंगे पीवी रेशो के, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के, ये सभी कहीं ना कहीं इन्हीं से ही निकलेंगे। इसके बाद है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखिए जब आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, आप ये पेन ही है जो प्रोड्यूस करने वाले हैं। अब आपने अनुमान लगाया कि मेरी इस पेन को बनाने की कॉस्ट आएगी 100 रुपीज। आपने ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि इतनी कॉस्ट आनी चाहिए, बट आपने ईयर एंड पे देखा कि मेरी कॉस्ट तो आई 110 रुपए। अब आप ये एनालाइज कर रहे हैं कि मेरी पेन की बनाने की कॉस्ट स्टैंडर्ड से अलग क्यों आई, ये वेरियंस जो है स्टैंडर्ड से क्यों आया, दिस इज द वेरियंस एनालिसिस। अब ये डिफरेंस क्यों आया, इसको हम तीन कारणों से देख सकते हैं। ये डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि जो पेन का प्लास्टिक यूज हुआ वो मैंने सोचा था सस्ता मिल जाएगा, बट वो मुझे महंगा मिला। जो मटेरियल था वो मुझे महंगा मिल गया। मटेरियल मैंने सोचा था कम लगेगा, बट वो मटेरियल ज्यादा लग गया, तो ये वेरियंस आ गया। मैंने सोचा था लेबर कम लगेगी, बट इसको बनाने में लेबर ज्यादा लग गई, इसीलिए डिफरेंस आ गया। कुछ ओवरहेड्स लग गए, कुछ वेरिएबल ओवरहेड्स लग गए, कुछ फिक्स्ड ओवरहेड्स लग गए, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट में डिफरेंस आ गया। तो हमें इस वेरिएंस को एनालाइज करना है कि ये 10 रुपए का वेरिएंस जो हमारा आया ये किन कारणों की वजह से आया, मटेरियल, लेबर या फिर ओवरहेड। और इन्हें फर्दर भी हम क्लासिफाई करके चलते हैं, जैसे मटेरियल को मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल रेट वेरिएंस, ये सब चीजें हम आगे निकाल के चलते हैं और इनकी बात आपसे करेंगे डिटेल में जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए इसके बाद है बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। देखिए कोई भी काम करने से पहले आप अपना पूरा प्लान तैयार करते हैं, आप अपना पूरा बजट तैयार करते हैं। आपने क्या लेना है, आपने नई मोटरसाइकिल लेनी है, तो आप अपना बजट तैयार करेंगे कि मुझे किस बजट के अंदर वो बाइक खरीदनी है, वो मोटरसाइकिल खरीदनी है। तो बजटिंग हमारे बिजनेसेस के लिए भी बहुत जरूरी है। उन्हें बजट बनाना है कि कितने में हमें सामान खरीदना है और कितने में हमें इस सामान को बेचना है, पूरा वो बजट उन्हें तैयार करके चलना है। वो बजट बनाएंगे, फिर अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजट के साथ मेजर करेंगे और जानेंगे कि क्यों बजट से हमारे डिफरेंसेस आ गए। अब माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट तैयार किए जाएंगे। कुछ लॉन्ग टर्म बजट होंगे, कुछ शॉर्ट टर्म बजट होंगे, कुछ करंट बजट होंगे, कुछ फंक्शनल बजट होंगे, जैसे सेल्स से जुड़े, कैश से जुड़े, प्रोडक्शन से जुड़े। एक बजट होगा जो सारे बजट्स को समाये हुए होगा, उसे हम नाम देंगे मास्टर बजट का। कुछ फिक्स्ड बजट होंगे, कुछ फ्लेक्सिबल बजट होंगे। परफॉर्मेंस बजटिंग और जीरो बेस्ड बजटिंग के कॉन्सेप्ट्स को भी हमें डिस्कस आपके साथ करना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है जीरो बेस्ड बजटिंग का, जो कि इंट्रोड्यूस किया था पीटर फायर ने इन 1969, जो कि कहते हैं जब आप बजटिंग करें तो स्क्रैच से शुरू करें, आप पिछले बजट को भूल जाएं। तो ये सब बातें हमें आपके साथ डिस्कस करनी है बजटिंग के अंदर। चलिए इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स बात करनी है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हेल्प करती है हमें हमारे ओवरहेड्स को हमारी प्रोडक्शन पे एलोकेट करने में ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने फैक्ट्री रेंट कुछ पे किया, आपने कुछ पावर का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पे किया और आप क्या है, दो प्रोडक्ट्स को तैयार कर रहे हैं, तो आप इनमें कैसे ये खर्चे एलोकेट करें, कैसे ये ओवरहेड्स एलोकेट करें, इसमें हेल्प करेगा आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जैसे अगर आपको रेंट एलोकेट करना है तो आप देख लें
कि ए का कितना एरिया है जो यूज हो रहा है और बी प्रोडक्ट में कितना एरिया है जो कि यूज हो रहा है। आपको पावर एलोकेट करनी है तो देख लीजिए ए के प्रोडक्ट कितनी पावर यूज करते हैं और बी के कितनी यूज करते हैं। तो इन बेसिस पे आप अपने ओवरहेड्स को एलोकेट कर सकते हैं। ये बात की जाती है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर। चलिए इसके बाद है काइज़ान कॉस्टिंग। काइज़ान कॉस्टिंग का क्या मतलब है? तो माय डियर फ्रेंड्स, काइज़ान एक जैपनीज टर्म है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए। ये कहती है कि आप भले ही छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स लेके आए बट आप उसे कंटिन्यूअस बेसिस पे लेकर आए। तो काइज़ान कॉस्टिंग में हमारा फोकस रहता है कि हम अपनी कॉस्ट को क्या कर लें, धीरे धीरे हल्के हल्के से कम करते चलें कंटिन्यूअस बेसिस पे। बट हमें ऐसा करते हुए अपनी क्वालिटी को, अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये चीज भी हमें ध्यान में रख के चलनी है। चलिए इसके अलावा कंसेप्ट है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का। तो ये जो कॉस्टिंग है ये प्रोडक्ट की लाइफ में उसके साथ चलती है। हम ये कॉस्टिंग करते हैं कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा होगा और कितना रेवेन्यू मिलेगा फ्रॉम इन्वेंशन टू अबंडनमेंट। जब से आप उसे बनाने की तैयारी शुरू करेंगे और जब आप उसे बंद कर देंगे उसकी पूरी लाइफ में आपके कितने खर्चे होंगे और आपको उससे कितना रेवेन्यू मिलेगा, उसे आप एनालाइज करते हैं अंडर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। चलिए इसके बाद है टारगेट कॉस्टिंग। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आज की जो हमारी मार्केट है वो है आपकी मार्केट जिसके अंदर प्राइस आपके फिक्स्ड है। आप ये नहीं कर सकते कि अपना प्रोडक्ट तैयार करें और उसकी कॉस्ट निकालें और उसके बेसिस पे आप अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के प्राइस तय कर लें। आज की डेट में आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको प्राइस मार्केट से ही लेना पड़ेगा। अगर मोबाइल आज की डेट में सेम फीचर्स वाला 10,000 का रेडमी बेच रहा है तो सैमसंग को भी 10,000 के अंदर ही अपना सेम फीचर का मोबाइल तैयार करना है। तो उसके लिए सेलिंग प्राइस ऑलरेडी सेट है, उसका प्रॉफिट मार्जिन उसे पता है कि इस मोबाइल पे मुझे 2,000 का प्रॉफिट मार्जिन लेना है। तो मुझे जो इसकी कॉस्ट रखनी है, जो इसकी टारगेट कॉस्ट लेकर आनी है वो 8,000 लेकर आनी है। तो टारगेट कॉस्टिंग इन सब बातों की चर्चा आपसे करेगा और यही बातें हम आपसे तब करेंगे जब टारगेट कॉस्टिंग डिस्कस करेंगे। चलिए इसके बाद है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, कई हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन्हें प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे पेपर आपको बनाना है तो वुड से पल्प बनेगा, आप पल्प की वॉशिंग करेंगे, मशीनिंग करेंगे, फिर फाइनली आपका पेपर तैयार होगा। तो जब डिफरेंट प्रोसेसेस से प्रोडक्ट गुजर रहा है तो इनकी कॉस्टिंग करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग को। तो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हम डिफरेंट प्रोसेस की कॉस्ट अलग अलग से निकालते हैं और फाइनली अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन इट। तो इससे रिलेटेड सभी बातें हम करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, आज की डेट में एक नया कंसेप्ट जो प्रेविलेंस में है, दैट इज जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम, JIT। ये कंसेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि आपको अपने गोदाम में सामान भरने की जरूरत नहीं है। आप गोदाम में सामान भर के रखेंगे तो आपकी उसमें क्या कॉस्ट लगेगी, गोदाम का खर्चा आएगा, आपके पैसे ब्लॉक रहेंगे उस सामान में। तो आप सामान तभी मंगाइए जब आपको आगे उसकी जरूरत है, प्रोडक्शन प्रोसेस में आपको उसकी जरूरत है, इससे आपकी कॉस्ट की सेविंग हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट है जस्ट इन टाइम मेथड का। अब ये कंसेप्ट दिखने में तो अच्छा है बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिनकी चर्चा हम आपसे करेंगे जब इसकी डिटेल में आपसे हम डिस्कशन करेंगे। चलिए तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो चीजों के दाम है वो दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन के बारे में आप सभी जानते हैं। बट हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उन्हें हम तैयार करते हैं हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे, वही पुराना प्रिंसिपल आज भी चला रहा है। तो जब हम कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डाल दें, उसे हम नाम देते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का। और ऐसा करने की
कुछ टेक्निक्स हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे करंट परचेजिंग पावर मेथड है, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है, करंट वैल्यू मेथड है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है, और इन सभी की चर्चा हम आपसे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के अंदर डिटेल में करेंगे। चलिए तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की डेट में हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स। अगर ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास नहीं होगा तो हम आज की डेट में काम नहीं कर पाएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स की अहमियत को समझते हुए बात की गई है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की। आप समझें कि ह्यूमन बींग्स भी आपके लिए एसेट हैं, आपके एम्प्लॉयज भी आपके लिए एसेट हैं, और आप उन्हें भी अकाउंट फॉर करके चलें अपनी नॉर्मल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के अंदर। इसकी चर्चा हम करेंगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर कि कैसे हम ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग कर सकते हैं, कैसे उसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं डिफरेंट मेथड्स को यूज करके। चलिए तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में आप सभी बात करते हैं गो ग्रीन मूवमेंट की, कि पर्यावरण को आप नुकसान ना पहुंचाएं, ग्रीनरी को आप बढ़ाएं। तो हमारी अकाउंटिंग भी अगर इस एस्पेक्ट को कंसीडर करना शुरू कर दे तो कितना अच्छा हो। और इसे ही नाम दिया गया है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का, कि आप जो अकाउंटिंग करें उसमें यह भी ध्यान दें कि आपको जो बिजनेस है वो एनवायरमेंट पे क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स डाल रहा है, क्या कॉस्ट एनवायरमेंट को भुगतनी पड़ रही है आपके बिजनेस से जुड़ी हुई। चलिए इसके बाद है ऑडिटिंग। देखिए अकाउंटिंग की बात बहुत सारी आपके साथ कर ली है, ऑडिटिंग का मतलब है कि आप उन अकाउंट्स को चेक करें कि क्या वो ठीक बने हैं या फिर नहीं बने। आपको जो बैलेंस शीट और आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, क्या ये किताबों को सही मायने में डिस्क्लोज करता है या फिर नहीं करता, क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का या फिर नहीं दिखाता, क्या आपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस का ये ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है या फिर नहीं दिखाता, ये सब बातें चेक होती हैं ऑडिटिंग के अंदर। देखिए ऑडिटिंग में कोई 100% चेकिंग नहीं होती, बस एक रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन की जाती है, और ऑडिटिंग करते हुए आप वाउचिंग और वेरिफिकेशन का यूज करते हैं। देखिए जो भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांजैक्शंस हैं, आप उनके वाउचर देखेंगे, आपकी कोई सेल यहाँ पर डली हुई है तो आप उस सेल का वाउचर देखेंगे, आपके कुछ खर्चे डले हैं तो आप उन खर्चों के क्या देखेंगे, वाउचर देखेंगे, या फिर मैं कहूं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप उनके देखेंगे। और जो भी बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज आ रही हैं आप उनकी वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या जो एसेट यहाँ पे आ रहा है, क्या जो बिल्डिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है वो असल में है भी या फिर नहीं, अगर वो है क्या उसकी वैल्यू ठीक लगाई गई है या फिर उसकी वैल्यू ठीक नहीं लगाई गई। और फाइनली आप अपना ओपिनियन देंगे इन द फॉर्म ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट। और कई बार कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की कॉस्टिंग को कैलकुलेट करने के लिए कि क्या इन्होंने सही कॉस्ट निकाली है अपने प्रोडक्ट की, क्या ये दाम ज्यादा तो नहीं चार्ज कर रहे, उसके लिए कॉस्ट ऑडिट का भी इस्तेमाल कई बार कर लिया जाता है एज पर द लीगल प्रोविजंस कंटेंड इन द कंपनीज एक्ट। और इसके बाद कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑडिट भी आपके साथ डिस्कस करने हैं, जैसे मैनेजमेंट ऑडिटिंग है जो कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी की बात करता है, एनर्जी ऑडिट है जो कि एनर्जी को बचाने की बात करता है, एनवायरमेंटल ऑडिट है जो कि अगेन एनवायरमेंटल अकाउंटिंग से जुड़ी हुई चीजों की ऑडिट करने की बात करता है, सिस्टम ऑडिट है जो कि बात करता है कि क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिस्टम्स हैं वो इफेक्टिव हैं या फिर नहीं है, स्पेशली इंफॉर्मेशन सिस्टम की ये बात हमसे करता है, सेफ्टी ऑडिट बात करता है कि क्या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे इंप्लॉयज के लिए सेफ है या फिर नहीं है, क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन कर रहे हैं हम या फिर नहीं कर रहे। ये सब कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑडिट हैं जिनकी बात भी हमें आपसे करनी है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था हमारा एक क्विक मैराथन सेशन जिसके अंदर हमने आपको एक पूरे यूनिट का ओवरव्यू दे दिया। हमने दे दिया आपको कि यूनिट 2 के अंदर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप आपको करने हैं, क्या क्या चीजें आपको उसके अंदर पढ़नी है, और इन सभी चीजों को अगर आप हमारे साथ कवर अप करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि हम लॉन्च कर चुके हैं।
तो आपकी ऑप्शन है कि आप केवल वीडियो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर वीडियो कोर्स के साथ हमारे टेस्ट सीरीज और हमारे प्रीवियस ईयर पेपर कोर्स को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, और पेड कोर्सेज आप नहीं भी ज्वाइन करना चाहते तो माय डियर फ्रेंड्स आप हमारे यूनिट स्नैपशॉट नोट्स जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पे भी और हमारी एवर स्टडी क्लासेस लर्निंग ऐप पे भी, आप वो तो डेफिनेटली अवेल कर ही लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन और उम्मीद करते हैं आपको डिस्कशन पसंद आया। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@everstudy.in के ऊपर। रेगुलर अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी क्वेरी है तो आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये नंबर आपके सामने स्क्रीन पे दिया है। और इसके अलावा आप हमारी फ्री लर्निंग ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, एवर स्टडी क्लासेस सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.in को भी विजिट कर सकते हैं और जरूर विजिट कीजिएगा। आपको काफी सारा कंटेंट, काफी सारी नॉलेज मिलेगी जो फ्री मिलेगी, कम से कम उसे तो अवेल कर ही लेना। पेड आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगे तो आप अवेल कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू, बाय बाय।